नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्नो विकास पे और मैं आपका होस्ट विकास। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि हम लोग ऑनलाइन जो है कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने वोटर आईडी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा दें और उसके ठीक बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबा दें। इससे होगा क्या कि मैं इस तरीके का वीडियो अपलोड करूंगा उसका सीधा नोटिफिकेशन आपको आएगा और आप वो वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपना गूगल खोल लें और गूगल में सर्च करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दोस्तों ये इलेक्शन कमीशन की ओरिजिनल साइट है। यहाँ पे फर्स्ट में देखिए आपको शो हो रहा है eci.nic.in। तो आपको दोस्तों इस पर क्लिक करना होगा और ये साइट ओपन होने के बाद आपके राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पे एक नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका एक नया पेज ओपन होगा और आप सेकेंड ऑप्शन में देख सकते हैं दोस्तों कि अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरीके का एक फॉर्म ओपन होगा। तो दोस्तों करना क्या होगा कि ये फॉर्म में आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। स्टेट सेलेक्ट कर लें और उसी के हिसाब से जो आपका प्लेस है वो सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पे दोस्तों देखिए इसके ठीक नीचे है कि मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे नाम की पूर्ववर्ती जो भी है यहाँ पे, तो पहली बार के मतदाता के रूप में या फिर अन्य सभा क्षेत्र के स्थानांतरण के कारण, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका क्या दिक्कत है, आप पहली बार बनाना चाहते हैं या फिर अपना आप जो है प्लेस चेंज करना चाहते हैं। और उसके ठीक नीचे यहाँ पे देखिए दोस्तों कि नेम है और रीजनल नेम, आपको जो भी लेफ्ट हैंड साइड में फिल करना है वो इंग्लिश में फिल करना है और राइट हैंड साइड में जो भी कॉलम दिए गए हैं रीजनल लैंग्वेज में फिल करना होगा आपको। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे अपना नाम लिख दें और उसके ठीक नीचे अपना सरनेम लिखें। अगर दोस्तों आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है तो आपका जो रिलेटिव है उसकी यहाँ पे डिटेल्स डालनी होगी, तो आप अपने रिलेटिव का डिटेल डालें, मतलब कि नेम डालें, फिर उसका सरनेम डालें और उसके ठीक नीचे जो है आपका रिलेशन क्या है आपके रिलेटिव से, ठीक है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। फादर है, मदर है, हस्बैंड है, वाइफ है या फिर कोई अदर है, ठीक है। तो उसके ठीक नीचे आप यहाँ पे देखिए कि आपको एज जो है वो सेलेक्ट करना होता है और इसका एज जो है आपको यहाँ देखिए दिया हुआ है कि एज ऑन 1st January ऑफ करेंट कैलेंडर ईयर, ठीक है, उसके हिसाब से कितना हो रहा है और जन्म की तारीख, ठीक है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जन्म की तारीख क्या है, आपकी क्या जेंडर है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपको अपना करंट एड्रेस भरना होगा और उसके ठीक नीचे आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भरना होगा। अगर आपका करंट एड्रेस ही आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पे टिक लगा के जो है वो शो कर सकते हैं कि हमारा करंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास पुराना वोटर आईडी कार्ड है तो यहाँ पे अपना जो ईपिक नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दें। अगर आपके पास नहीं है, आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ईपिक नंबर नहीं होगा, तो आपको डालने की नहीं है। और इसके ठीक नीचे यहाँ पे जो है कि अगर आप में कोई डिसेबिलिटी पर्सन है कोई, तो यहाँ से उसकी डिटेल्स डाल दें और अपना यहाँ पे ईमेल आईडी डालें, अपना जो परमानेंट मोबाइल नंबर है जो आपके पास हमेशा रहता है वही नंबर डालें, क्योंकि दोस्तों ये बार बार चेंज होगा नहीं, तो इसमें वही नंबर डालें जिसको आप अपने फ्यूचर में यूज करना चाहें। और उसके ठीक नीचे में दोस्तों देखिए आपका है योर फोटोग्राफ, योर प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे 3 फाइल अटैच करने होंगे, आपका फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज का, एज प्रूफ क्या है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपना मार्कशीट, ठीक है, जैसे कि आपने मैट्रिक एग्जाम दिया है तो आप सर्टिफिकेट है उसमें एज प्रूफ जो है आपको आसानी से मिल जाएगा, और नहीं है तो आप अपने कोर्ट से जा करके और एफिडेविट करवा के अपलोड कर सकते हैं। और उसके ठीक बगल में जो है एड्रेस प्रूफ, तो यहाँ पे अपना एड्रेस प्रूफ अटैच कर दें और इसके ठीक नीचे गाँव क्या है, फिर राज्य क्या है वो सेलेक्ट करें, जिला क्या है, आपको यहाँ पे जो है डेट डालना होगा। और इसके ठीक नीचे यहाँ पे जो है आपको कुछ सेलेक्ट करना होगा कि माय नेम हैज नॉट ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द इलेक्ट्रॉल, और जो भी है आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं यहाँ पे पढ़ता नहीं हूँ, मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे प्लेस और डेट है, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपको यहाँ पे दोस्तों सबमिट करना होगा और सबमिट करने के बाद क्या है कि आपके ईमेल आईडी पे एक कंफर्मेशन मेल आएगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन रजिस्टर कर लिया जाएगा आपके वोटर आईडी एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो आपको ईमेल के थ्रू सारा इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट साइट जो है वो प्रोवाइड करेगा कि आपकी वोटर आईडी की स्टेटस क्या है, कब तक बन जाएगा और कहाँ से आप जाकर के अपना वोटर आईडी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वो तरीका है जिसके माध्यम से आप जो है अपना वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अगर आपने अपना रेसिडेंस चेंज किया है तो अप्लाई कर सकते हैं न्यू वोटर आईडी के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टिप्स के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।